बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक होने का दावा कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया है। जिस तरह से कल सदन में हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के अब कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं, वहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि भाजपा के आगे नीतीश कुमार हथियार नहीं डालेंगे। खास करके जो चुनाव के परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उसे लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी और नीतीश कुमार के लिए रास्ते कम बचेंगे। आपको बता दें कि कल बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह का जबरदस्त खेल चल रहा है उसका नज़ारा साफ देखने को मिला। विधानसभा में लखीसराय के सवाल पर जो सरस्वती पूजा के समय में हंगामा हुआ था उसको लेकर के, जो बवाल हुआ था उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको पता है कि इस पूरे माहौल में एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पास लॉ एंड ऑर्डर है यानी गृह विभाग उनके पास है और बार बार भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल खड़े कर रही है, इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आई उसे नीतीश कुमार अपने कक्ष में बैठ करके देख रहे थे। जैसे ही मामला उन्हें लगा कि अब उनकी एंट्री बहुत ज़रूरी है, सीधे वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्होंने साफ तरीके से जो बातें कही वो आपने पूरे दिन देखा। अब आपको बता देते हैं कि इसको लेकर के बवाल जो शुरू हुआ है, दरअसल वह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के किसी नाक की लड़ाई को कहीं ना कहीं माना जाने लगा है और ये नाक की लड़ाई लखीसराय को लेकर के जबरदस्त ढंग से भाजपा और जदयू के बीच में टक्कर का कारण बन गई है। लखीसराय के एक DSP और 2 थानेदार के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। उस मामले में सरकार आरोपी DSP और थानेदार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, इसी वजह से सारा बवाल अब आगे बढ़ चुका है। इन सारी बातों को लेकर के जहां टकराव की स्थिति आ गई है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में स्पीकर विजय सिन्हा को जिस तरह से खरी खोटी सुना दिए उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा के आगे हथियार नहीं डालेंगे, ये बात अब स्पष्ट हो गया है। और इस बात को लेकर के जहां एक तरफ जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह का जो ये क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र है, अपने संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती को लेकर के नेता कितने चूजी होते हैं इस बात को आपने जरूर देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि अपने अनुसार काम करने वाले अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अधिकारियों का तबादला करवाते हैं और काम करवाते हैं। ललन सिंह साफ तरीके से पुलिस पदाधिकारी के पीठ पर खड़े हैं ऐसा देखने को मिल रहा है और ये मामला अब नाक की लड़ाई तक पहुँच गया है। थानेदार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास कितनी बढ़ गई है इसका नज़ारा कल मुख्यमंत्री और आसन के साथ हुए तूतू मैमे में देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से लखीसराय के सवाल पर सदन में नाराजगी जताई उससे यह साफ तय हो गया है कि उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस तरह से कार्रवाई नहीं होने देंगे। अब ये बात खुल करके सामने आ गई है कि चुनाव परिणाम के बाद जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है उसकी शुरुआत और सुगबुगाहट दोनों देखने को मिल रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।